तो फ्रेंड्स, ये है हमारा डे टू एपिसोड थ्री। इसके अंदर हम धनौल्टी में घूम रहे हैं। धनौल्टी के अंदर हम दूर दूर ऑफ है। सीजन में आए हैं, इसलिए हमें काफ़ी खुला हुआ मिल रहा है। और जब आपको हिल स्टेशन इस तरह से खुले हुए मिलते हैं, तो आपके पास आ दो जाना ऑप्शन चाहिए होते यार। हैं। एक कि वहाँ आराम से रुक कर अच्छी तरह सीनरी को एंजॉय करें, नेचर का आनंद लें, या फिर आप वहाँ पर खुली सड़कों का मिसयूज़ करने लग जाएं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि हेलमेट नहीं पहनते हैं और बिना किसी सेफ्टी के बाइक या टू व्हीलर चलाते हैं। वो अपना ही नहीं, अपने साथ साथ बाकी लोगों की भी जान खतरे में डालते हैं। मैंने अपने आमेर के सागर वाले वीडियो में भी बताया था, उसमें भी कुछ बच्चे थे जो कि साइकिल चला हाँ रहे थे, जिन्होंने हेलमेट नहीं बिल्कुल पहन रखा था। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे साइकिल चलाते हैं, तो आप उनको भी एक हेलमेट दीजिए। और अगर आप खुद टू व्हीलर चला रहे हैं, तो आप खुद भी एक अच्छा हेलमेट पहनिए, और हो सके तो जितने ज़्यादा राइडिंग गियर्स आप पहन सकते हैं, पहनिए। पहाड़ी रास्ते हैं, लोग कहीं से भी कैसे भी आ सकते हैं। ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो दोस्तों, ये बात है हमारे डे टू की। जब हम धनौल्टी में ही इधर उधर घूम रहे थे, धनौल्टी की वादियों का आनंद ले रहे थे, धनौल्टी के दूर दूर जो पहाड़ हैं जिन पर बर्फ़ जमी हुई है उनको देख रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे और आसपास बाइक राइड का मज़ा ले रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन दूर के पहाड़ों की फ़ोटो मैं नहीं खींच पाया, क्योंकि मेरे पास कोई जूम लेंस नहीं था। लेकिन जब मैं आँखों से देख रहा था, तो वो पहाड़ बहुत ही अच्छे लग रहे थे। साला ये अपन ये लगा लगा के अपने को ऐसे लगने लग जाता है जैसे अपने को टेलीपैथी आती है। टेलीपैथी बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, समझ रहा बात? हम लोग जब भी किसी बाइक राइड पर निकलते हैं, तो पूरी प्रिपरेशन के साथ निकलते हैं। राइडिंग जैकेट, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग पैंट्स, अच्छा हेलमेट, ये सारी प्रिपरेशन हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंडेटरी होती हैं। ये तो करनी ही है जब भी हम जा रहे हैं। आउट स्टेट राइड के अलावा जब इंटर स्टेट या सिटी राइड करते हैं, और यही प्रेफरेंस हमारा रहता है, और जो भी हमारे साथ राइड कर रहे होते हैं, हम सबको यही बात बताते हैं कि आप जब भी राइड कर, हेलमेट तो बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर कोई हेलमेट नहीं पहन रहा है, तो वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। अगर आपके पास एक अच्छी बाइक है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर राइडिंग गियर्स नहीं हैं, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। प्रेफरेंस कीजिए कि आप हमेशा राइडिंग गियर्स पहनें। एटलीस्ट लेवल 1 के राइडिंग गियर्स, बिल्कुल जो इनिशियल लेवल से स्टार्ट होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं। और ये आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का राइडिंग गियर पहनना चाहते हैं। पर कई लोग होते हैं जो राइडिंग गियर्स को इग्नोर करते हैं, स्टाइल मारने के चक्कर में हेलमेट्स वगैरह नहीं पहनते। इस तरह के लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसी तरह जब हम धनौल्टी में जा रहे थे, तो ये भाई साहब हमें मिले जिन्होंने राइडिंग गियर्स नहीं पहन रखे थे और ये स्लिप हो गए। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये ऐसी जगह स्लिप नहीं हुए जहाँ से ये पहाड़ी से गिर जाते। खड़ी कर दो थोड़ी देर। अरे इसका स्टैंड भी खराब है बहन, जो पता नहीं क्या स्कूटी दिया है। खड़ी कर दो, रुक जा रुक जा, कहाँ लगी हाथ लगी, रुक जा छोड़ो मैं आगे खड़ी। 2 मिनट रख दो यार, रुक सुधीर भाई ने उनको अच्छी तरह चेक किया, ध्यान दिया कि इनको ज़्यादा चोट नहीं आई है। और जब सुधीर भाई चेक कर रहे थे, तो हमने ट्रैफिक को थोड़ा सा कंट्रोल किया ताकि कोई और आके इनसे ना टकरा जाए।
आप देख सकते हैं बाकी के जो राइडर्स हैं कोई भी यहाँ पे आ रहा है वो अच्छी तरह राइडिंग गियर्स में है, पर ये दोनों बिना हेलमेट बिना राइडिंग गियर के किसी किराए की स्कूटी पर यहाँ पर घूम रहे थे। कंपैरेटिवली यहाँ पर मोड़ थोड़ा बड़ा था और सड़क भी थोड़ी चौड़ी थी, पर जिस तरह से धनौल्टी के बाकी के रास्ते हैं जैसे कि मैंने आपको एपिसोड 2 में दिखाया था जितने सकरे रास्ते हैं वहाँ पर इनके साथ काफ़ी ज़्यादा मिस हैपनिंग हो सकती थी, और अगर ये सड़क की दूसरी साइड होते और अगर ये गिर जाते तो इनके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। तो इसीलिए हम सारे राइडर्स से सारे टू व्हील राइडर्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी वो कहीं पर भी राइड कर रहे हों कहीं भी जा रहे हों राइडिंग गियर्स पहने, हेलमेट आपकी राइडिंग जैकेट बूट ये सारी बहुत मैंडेटरी चीज़ें हैं और इनको हमेशा अपने साथ पहनना और रखना चाहिए। हमारे होटल पे वापस, यहाँ से हम अपना सामान लेंगे और सामान लेके गाड़ियों के पीछे बांधेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे मसूरी। अभी अभी प्लान बनाया कि हम मसूरी भी जाएंगे, अब मैं वेट कर रहा हूँ। ये दोनों लड़के सारे अपना सामान लेके नीचे आएंगे, गाड़ियों के पीछे बांधते हैं और अभी के अभी निकल लेते हैं।